हेलो, बड़ी लंबी उम्र है। मैं तुम्हें कुछ दिखाने जा रहा था। हामिद, कैसे हो? मैं ठीक, तुम बताओ कैसे फोन किया। हाँ, तुम्हें तो पता होगा ना कि ट्यूबलाइट को बंद कर दिया गया है। अरे यार, बंद ही कर दो इस ट्यूबलाइट को, कब से झटके मार रही है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कैन यू सी मी टुडे? यू नो आई कैन से नो टू यू। ठीक है, मैं आती हूँ। तुम कह रहे थे ना तुम्हें कुछ दिखाना है। व्हाई आर यू इन द सरप्राइज? तुम आओ फिर बात करते हैं। Where the hell's my coffee? कब से बोला हुआ यार? Hey, आओ बैठो बैठो, चाय कॉफी। क्या नो नथिंग, थैंक्स। बात करना चाहती थी? हमजा जेल में है। अच्छा, क्यों, क्या किया उसने? जो भी किया हमारे लिए किया। तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू? क्या तुम उसको जेल से निकाल सकते हो? मेबी, इट डिपेंड्स किस लेवल का क्राइम है। ने कोई क्राइम नहीं किया, उसके ऊपर फेक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना रहे हैं। अपने डैड से क्यों नहीं कहती? कहा था मैंने, उनको 3 वीक मिली है। एंड बिलीव इट और नॉट, काम सीधा हो या टेढ़ा, तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। थैंक्स फॉर द कॉन्फिडेंस। आई थिंक चलो समझो, मैं तुम्हें एक काम करवा दूं। मुझे क्या मिलेगा? वट एवर यू वॉन्ट शेयर्स इन द कंपनी, यू वॉन्ट सीट ऑन द बोर्ड, वट एवर। मरियम, यू नो व्हाट आई वांट। हामिद, कुछ और मांग लो प्लीज, एनीथिंग बट दैट। मतलब कुछ भी हो जाए, तुम मुझसे रिश्ता जोड़ने में बिल्कुल। चलो आओ, तुम्हें सरप्राइज देता हूं। हामिद, ये देखते जाओ। ये क्या है? वही जो तुम्हें दिख रहा है, छायान है तो? भोली ना बनो। ये पहली वीडियो पुलिस के पास से आई है, इसमें दोनों लड़कों की, लेकिन दूसरी वीडियो में एक लड़की की क्लियरली शक्ल दिख गई है। डेट भी वही है, कपड़े भी वही हैं। हाउ कि तुम्हारे पास कैसे आए? डू यू थिंक? आई डोंट नो। मरियम, इस शहर के कोने कोने पर मेरे लोग बैठे, और जिन पे मैं इन्वेस्टमेंट कर दू मैं उन पे नजर रखता हूं। अगर ब्लैकमेल ही करना था, व्हाई डिड यू वेट फॉर सो लॉन्ग? लेट मी थिंक, मैं किसी ऐसे वक्त का इंतजार कर लू। वक्त आ गया। हामिद, आई नो तुम इस वक्त स्ट्रांग पोजीशन पे हो, पर क्या हम इसको तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं? तुम मेरी हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए, एंड आई विल मेक श्योर ये वीडियोस किसी के हाथ ना पहुंचे। क्या गारंटी है इसकी? आई गेस कोई नहीं, लेकिन तुम्हारा फैसला है, तुम्हारी मर्जी है। आई मीन जबरदस्ती नहीं है। वाह, ब्लैकमेल कर रहे हो कि अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तो शायान को जेल भेज दोगे।
और कह रहे हो कि जबरदस्ती नहीं है, एटलीस्ट एक्नॉलेज तो करो कि तुम अनफेयर हो रहे हो। मेरे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? You want something, I want something. और वो क्या कहते हैं? All is fair in love and war. और ये तो दोनों ही है। मेरी एक शर्त है। एक और शर्त? तुम्हारे शायन को जेल से बाहर रखना काफी नहीं है? नहीं। तुम्हें हमजा को भी जेल से निकालना हो।